नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कसकाय मजेद केम छ मजामा, चमत्कार प्रदर्शन प्रस्तुत डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम लोग जर्म किल किट लाइफ टाइम कैसे यूज करें उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलो दोस्तों, पहले हम लोग थोड़ा प्योरेट रिलेटेड समझ लेते हैं। तो प्योरेट जब हम लोग घर पे लेके आते हैं, ये प्योरेट क्लासिक है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास पीछे से हम लोगों ने उसे वाटर कनेक्शन दिया हुआ है, तो उसमें 4 स्टेज क्लीनिंग प्रोसेस होता है। तो ऊपर हमारा माइक्रोफाइन फिल्टर होता है, तो ये जो हम लोग क्लॉथ का फिल्टर देख रहे हैं, माइक्रोफाइन फिल्टर मतलब ये हमारा जो विजिबल डर्ट है वो निकाल देगा। इसके अंदर जो स्पोर्स होंगे पानी निकलने के लिए वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जो हमारा विजिबल डर्ट होता है वो इसके अंदर निकल जाता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लीनिंग। सेकंड हमें नीचे यहाँ पे ब्लैक कार्बन फिल्टर दिख रहा है, तो पानी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अच्छे खासे फोर्स से इस पाइप थ्रू पानी आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वाल्व उसका खोल रहे हैं और यहाँ पे वो फिल्टर हो गया, थोड़ा कम फोर्स से बाहर आ रहा है। अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कार्बन फिल्टर है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर सेकेंड स्टेज होता है। ये हमारे पेस्टिसाइड्स को और पैरासाइट्स को किल कर देता है। तो वो 2 स्टेज हुए और तीसरे स्टेज पे हम लोग आते हैं, तो हमारी आती है जर्म किल किट। जर्म किल किट में क्या होता है, तो वहाँ पे क्लोरीन, ग्रेजुअली क्लोरीन रिलीज किया जाता है जो हमारे वायरसेस को किल करता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये रेड हो गया है, मतलब हमारा जो क्लोरीन का जो पीस था वो खत्म हो चुका है। तो अभी क्या होगा कि रेड होने के बाद पानी यहाँ से लीक करेगा, पानी आगे जाएगा नहीं। 2 महीने के बाद हमारा जो ये जो क्लोरीन का पीस है वो खत्म हो जाता है, तो हम लोग ये रिप्लेस करना पड़ता है। तो हम लोग ये सॉल्यूशन देंगे कि हमें ये जो हमारा क्लोरीन का सेगमेंट है, कुछ लोग इसे क्लोरीन मतलब हमारे जर्म किल किट कहते हैं, कुछ लोग बैटरी कहते हैं, तो ये चेंज किए बिना लाइफ टाइम हम इसे कैसे ऑपरेट करें ये हम लोग सिखाने वाले हैं। 10 सेकेंड से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा कि इसे हम लोग लाइफ टाइम कैसे यूज करें। 4th स्टेज पे हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो नीचे ये जो हम लोग को दिख रहा है कंपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लैरिफायर। क्लैरिफायर के अंदर भी एक फिल्टर होता है, ठीक है, जो हमारा क्लोरीन जो हम लोगों ने डाला था वो क्लोरीन निकालता है और हमारे पानी को ऑर्डरलेस करता है और नेचुरल टेस्ट बनाता है। तो ये 4 फिल्टर की प्रोसेस है। अब हम लोग इसे एक बार देखेंगे कि 10 सेकेंड्स में कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये लाइफ टाइम चले। तो दोस्तों, हम लोगों को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोगों को एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी। फाइन ग्रिप के पेन हम लोग बहुत यूज़ किया करते, तो पेन के कैप की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। पेन का कैप कैसा होना चाहिए, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो पेन का कैप है, मतलब ऐसा हमारा पेन का कैप होता है, उससे तोड़ के हम लोग ये जो उसका स्ट्रिप है वो लेंगे और उसके अंदर हमारे ये टेपर एज होना चाहिए, स्लोपी एज। तो ये पीस के अंदर अगर हम लोग देखें तो ऐसे पहले फ्लैट है, फिर आगे जाके हमारा ये स्लोप एज है, टेपर एज है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा जो भी पीस होगा उसके अंदर ये एज होना चाहिए। अगर हम लोग पेन में भी देखना चाहे तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो एज है यहाँ पे बड़ा हो जाता है। तो ऐसी पेन का हमें कैप चाहिए और कैप तोड़ लेना है हमें और वही यूज करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलो दोस्तों, टाइमर शुरू कर दीजिए। आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनलेट और आउटलेट होता है, आउटलेट के अंदर हम लोग डालेंगे, राइट वाला जो होता है वो आउटलेट होता है, टेपर वाला है जो हम लोग अंदर डालेंगे, बस दबा देना है हम लोग अंदर डाल के, आवाज आया होगा और हम लोग लगा देंगे। दोस्तों 10 सेकंड में पूरा हो गया, हमारा पानी लाइफ टाइम तक ऐसे ही इधर से नीचे आता रहेगा। अभी हम लोग इसे समझते हैं कैसा क्यों हो रहा है। तो ये रही हमारी पेन, कैप निकाल लेते हैं हम लोग और कैप से हमारा स्ट्रिप हम लोग तोड़ लेंगे, हमारे यूज में आएगी। तो ये स्ट्रिप है, उसका ऊपर का ये हमारा स्लोपी एज है, टेपर्ड है, जो हम लोग यूज आएगा। यहाँ पे हमारा लेफ्ट इनलेट है और राइट हमारा आउटलेट है, मतलब आउटलेट और इनलेट। तो आउटलेट में हम लोग उसे डाल देंगे। उसे समझने वाली बात क्या है, तो जब क्लोरीन का पीस खत्म हो जाता है तब क्या होता है, हम लोग देखते हैं आगे की साइड से। जब क्लोरीन का पीस खत्म हो जाता है तो हम लोग देख रहे हैं कि रेड बॉक्स जो है वो पूरा नीचे आके बैठ गया। अगर हम लोग पीछे की साइड से समझेंगे तो इनलेट से पानी आता जरूर है, इनलेट से पानी आता जरूर है, लेकिन आउटलेट से निकल नहीं पाता, क्योंकि क्लोरीन की पीस जो खत्म हो गया है उसकी वजह से वो रेड बॉक्स नीचे आ गया। और यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे अंदर तो एक वाइट पीस हमें दिख रहा है, हाँ उसी होल में, आउटलेट के होल में।
जो पानी को ब्लॉक करता है, तो उससे हमें ऊपर दबा कर, जब तक क्लोरीन का पीस होता है तो वाइट पीस ऊपर होता है, पानी का फ्लो इनलेट से आउटलेट आने देता है ऑब्वियसली क्लोरीन इंजेक्ट करके। तो अभी हम लोग इस पेन के पीस को डाल देंगे। तो इस पेन के पीस को डालने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि नीचे की साइड से एक क्लियर पाथवे उसे मिल रहा है पानी को आने के लिए, और हमारा जो व्हाइट रिस्ट्रिक्शन था वो हट जाता है। चलो दोस्तों आगे की साइड से भी देख लेते हैं। आगे की साइड से हम लोग देखेंगे तो हमारा जो रेड पीस है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया, देखो नीचे आया, और अभी पेन का पीस डालेंगे ऊपर आ गया, पेन का पीस निकाला नीचे, पेन का पीस डाला ऊपर। तो पेन का पीस डालते ही ऊपर आता है और उसे पाथ मिल जाता है। ये सिंपल सॉल्यूशन है दोस्तों। तो दोस्तों इतना इजी सॉल्यूशन था, आपको इसके ऊपर पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे ऊपर से खोलने के लिए, कुछ लोग कहेंगे कि मार्किंग करके आप आरी से काटिए इसे, या फिर कुछ लोग कहेंगे कि हॉट नीडल्स यहाँ पे डालिए। तो ऐसा कोई भी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल पेन का कैप जैसे हम लोगों ने आपको दिखाया वैसे ही अगर आप अंदर डाल देंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारा सजेशन तो भी यही रहेगा कि आप जब आपका जो कार्बन फिल्टर है और जो क्लैरिफायर है वो जब चॉक हो जाए तब आप क्लोरीन फिल्टर भी, जमकिल किट भी चेंज करें। तब तक अगर आपको चेंज ना करना हो तो ये सिंपल सॉल्यूशन फॉलो कीजिए, कोई भी हैसल करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट को डैमेज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पेन कैप से आपका काम हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में आपके व्यूज़ लिखिए कि आपको पसंद आया, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हम लोग अगले वीडियो में इसका जो फ्लोट दिख रहा है आपको अंदर, जो सिलेंड्रिकल चीज़ है जो ऊपर जाता है और ऑटोफिल क्वालिटी इसकी हेल्प करता है कि आप पीछे का जो वाल्व है वो ऊपर ही रखिए, पानी फिल होने के बाद पानी खुद से रुक जाएगा। तो वो अगर आपका नहीं चल रहा है फ्लोट, अगर आपका यूज सही से नहीं हो रहा है फ्लोट वाल्व, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग सिखाने वाले हैं। थैंक यू।